नमस्कार, मैं कमालुद्दीन अंसारी। मैं अभी खड़ा हूँ इंदिरा नगर जरीमरी इलाके में, जो दो तीन दिन बारिश की वजह से पूरे घरों में पानी में 6 फीट के 5 फीट के भरे हुए हैं। आज मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इंदिरा नगर जरीमरी का इलाका है, जिनके घर में कितना पानी था आपके घर में, यहाँ पे कमरे उड़े बहुत। इधर सामने देखे, मैं भी नहीं ले पाई। ये देखिए घर में, घर के अंदर पानी सब पूरा। आइए इधर थोड़ा आगे देखते हैं कि लोगों को आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। लोग अपने अपने घरों में से पानी देखो कैसा फेंक रहे हैं, लेकिन अभी तक महानगर पालिका या राज्य सरकार का कोई भी ऑफिसर या अधिकारी आके ये विजिट नहीं किया कि लोग हैं कैसे, लोग को खाना है या नहीं है। लोग अपने घर छोड़ छोड़ के बाहर कहीं स्कूल में रुके हैं, कहीं मस्जिदों में रुके हैं, लेकिन सुबह से यहाँ पे कोई भी महानगर पालिका का अभी तक कोई भी ऑफिसर या कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया। लेकिन आज यहाँ के आमदार, स्थानीय आमदार मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के तरफ से यहाँ पे लोगों को खाने का पैकेट और लोगों की तकलीफों को पूछा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी हमारे साथ में। मुरारी पांडे जी, आपने कितने लोगों को बांटा अभी तक? कमालुद्दीन अंसारी भाई, मुझे लगता है लगभग अभी तक हम 300 से 400 लोगों तक लंच पैकेट, जो मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब की ओर से जो लंच पैकेट तैयार किए गए थे पीड़ितों के लिए, वो सभी अभी तक हमने पहुँचाने 400 से 500 लोगों के घरों तक हमने लंच पैकेट पहुँचा दिए हैं। आगे भी हमारा कार्य ये जो चालू है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ये हमारा प्रयास है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखो हमारे कार्यकर्ता मौजूद है, जो रात को इस्माइल भाई यहाँ पे स्थानीय एरिया के लोगों को निकाल के उनको बाहर लेके जा रहे हैं, नाश्ता पानी जो भी लग रहा है पोहे भी बना के पूरा कर रहे हैं। इस्माइल भाई रात इस्माइल भाई जो यहाँ के स्थानीय रविवासी है, जो सवेरे से रेस्क्यू ऑपरेशन, जो इन्होंने खतरा देखा कि लगभग जब मीठी नदी के कारण लोगों के घरों में पानी भर रहा है, तो उस खतरे को भागते हुए इस्माइल भाई ने लोगों को अपने रेस्क्यू करके यहाँ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया। उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए और रात को 2 बजे तक ये मिशन उनका चलता रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी महिला कार्यकर्ता, यहाँ भी ये भी रात भर जागती रही, यहाँ उपस्थित रही, और इन्होंने भी बहुत सारा रेस्क्यू किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पहुँचाने की अपनी भूमिका निभाई है। रात भर उनको भी बाहर काढ़ा गया है। ये मीठी नदी की वजह से जो पूरे इलाके भरते हैं, आगे मीठी नदी के लिए इतने बड़े फंडिंग की जाती है, क्या महानगर पालिका उसको यूज नहीं करती या खा जाती है? कमालुद्दीन अंसारी भाई, हमेशा से, ये एक दिन की बात नहीं, हमेशा जब भी मानसून आता है, मानसून से पहले हमेशा से बृहन मुंबई महानगर पालिका मीठी नदी सफाई के नाम पे करोड़ों के यारे न्यारे करती है और घोटाले करती है, और जो गंदगी ऊपर से साफ करके चली जाती है, और जिसके कारण से पूर्ण रूप से मीठी नदी कभी भी नहीं साफ होती। हर मानसून के समय पे इस तरह से जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग मीठी नदी के सफाई के नाम पे करोड़ों के यारे न्यारे झोल झपटे बृहन मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी करते और ठेकेदार करते, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। मीठी नदी के सफाई के नाम पे घोटाले जितने हुए उसके नाम पर, क्योंकि ये घोटाले आज जो लोगों को ये समस्या है, लोगों के घरों में 4 से 5 फुट पानी जो भरा है, उसकी जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की है। उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, विभागीय चौकसी करके उनको नौकरी से निकालना चाहिए, और ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे अधिकारियों को जेल में ठूसना चाहिए। हमारी मांग है इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रशासन से। ये अभी हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की ये बात है कि कहने के है कि यहाँ पे कोई अधिकारी कुछ काम करने नहीं आता, बीएमसी के लोग साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों के घरों में कार्यकर्ताओं के आमदार मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के तरफ से यहाँ पे लोगों को खाने बांटे जा रहे हैं, लोगों को हालचाल पूछे जा रहा है। और ये इलाका हमेशा हमारे इस्माइल भाई का बताइए भैया, आप रात में जब बारिश हुई थी आपने क्या किया लोगों को बचाने के लिए? 3 से 4 बजे तक सबको बाहर बाहर निकाला, लाइट का वायर का प्रॉब्लम था, डर था, लोगों को सबको घर से निकाले एक एक करके और लोगों को रोड की तरफ लेके गए। अब रात का टाइम था, कोई आदमी खड़ा नहीं था, और के बच्चे छोटे लेके ठंडी में से मीटिंग बार बोल के स्कूल है उसको खोला गया, नसीम भाई को बोल करके बोला गया, वो उसको खुलवा गया, और उसको खोलने के बाद में
फिर लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया, उसके बाद में लोगों को चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया गया, फिर पवन वगैरह नाश्ता अच्छा दिया गया, फिर खाने का बोलकर मछली भाई को बोलकर खाना सबको बुला करके सबको खाना घर में पहुँचाया गया और घर घर में बांटा गया नाश्ता जो भी है। कोई 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 सुविधा नहीं यहाँ पे, कोई पुलिस नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे लोग महलों में बैठे थे, घरों में बैठे थे, पानी भर रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है, करंट ना सकता है, कोई खाली करने वाला आदमी नहीं है, जो भी थे मंडी पर लक्ष्मी के कार्यकर्ता आए थे यहाँ पे जो सबको खाली करा रहे थे, सबको खाली करा करके सबको शिफ्ट किया गया, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं। अभी सुन रहे थे इस्माइल भाई यहाँ के स्थानीय और नसीम भाई यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जो रात में आके लोगों को बचाने का काम किया। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पानी भरा रहता, लेकिन यहाँ पे कोई पुलिस ना आई, ना यहाँ महानगर पालिका का कोई आया, ना यहाँ पे राज्य सरकार के तरफ से आया। अभी समय आ रहा है, कुछ ही समय में अभी वोट का टाइम आने वाला है, घर घर में वो लोग पहुंचेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और वोट मांगेंगे, बोलेंगे भाई हमें वोट दो, हम अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे कि इन लोगों के घरों में इतने पानी भरे हैं, अभी तक कोई महानगर पालिका के एक ऑफिसर नहीं, पुलिस नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया, तो फिर मैं क्या समझूं कि ये अच्छे दिन है। मैं इसीलिए आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, मुरारी पांडे जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अभी ये लोग जब आते हैं अच्छे दिन का नारा देते हैं, जातिवाद धर्मवाद के नाम पे जो ये बात करके ये लोग वोट मांगते थे, इनके लिए आप क्या मैसेज करेंगे? भाई मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा लोगों से कि जिस तरह से आज आपकी समस्या है, इस तरह से समस्या संपूर्ण मुंबई में है, और मुंबई में जब से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की बृहन मुंबई महानगर पालिका में लगभग 25 वर्षों से बृहन मुंबई महानगर पालिका में उनकी सत्ता है, और इस तरह से इन लोगों ने संपूर्ण मुंबई करों को सफाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे, नाला सफाई के नाम पे संपूर्ण मुंबई करों को धोखा दिया है। जैसे सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, दिन एक्सीडेंट होते, आज इस तरह से जरीमरी की समस्या नहीं है, इस तरह से संपूर्ण मुंबई के लोगों की समस्या है कि हर थोड़ी सी बरसात हो जाती है, उस बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, और तो मुंबई करों को इस तरह स्थिति का, इस समस्या का के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी हम कहीं ना कहीं संपूर्ण मुंबई करों की भी है, हर वर्ष ये जानते हुए भी कि मुंबई कर के हमेशा बरसात में हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, बरसात के कारण हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये जानते हुए भी हम जब भी चुनाव आता है तो लोग मुंबई कर शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं। इस कारण से मुंबई को शिवसेना और बीजेपी ने हमेशा से भ्रष्टाचार करके जनता का जो पैसा, जो टैक्स का पैसा है, वो हमेशा पानी की तरह बर्बाद करने का काम और भ्रष्टाचार करने का काम शिवसेना बीजेपी के लोगों ने इस मुंबई में किया है और मुंबई करों को धोखा दिया। इसके लिए आने वाले दिनों में पूरे मुंबई करों को सावधान हो जाना चाहिए, ऐसी शिवसेना बीजेपी का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि हम आने वाले दिनों में अच्छी सरकार बन सके, बृहन मुंबई महानगर पालिका में अच्छी सरकार बना सके और हम मुंबई को स्वच्छ और साफ बना सके, ताकि इस प्रकार की समस्या बरसात में मुंबई करों को ना भुगतनी पड़े। तो अभी सुन रहे थे यहाँ पे इंदिरा नगर जरी मरी इलाके में लोगों की बातें सुन रहे थे। मैं सभी लोग अपने दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सरकार के तक पहुँचे, अधिकारी तक पहुँचे, ताकि उनकी थोड़ी कुंभकर्णी नीति से जाके। धन्यवाद।